हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का फोर्थ टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम है। चलिए इस टॉपिक के पहले वीडियो को देखते हैं जो कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल है। तो अभी तक हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा, हमने ये देखा कि कैसे लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड ने अलग अलग रीजन में अलग अलग सीरीज दी। लेकिन ये सीरीज क्यों आती है या हाइड्रोजन ऐसा स्पेक्ट्रम क्यों देता है, ये कोई भी समझा नहीं पाया। तो उसको समझाने के लिए नील्स बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसकी मदद से उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाया। लेकिन जब उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया उससे पहले उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे। पहले देखते हैं कि बोर के क्या क्या अजम्पशन थे। तो उनका पहला अजम्पशन ये था कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो ये जो ऑर्बिट्स है इनकी साइज और इनकी एनर्जी फिक्स्ड है। तो जब उन्होंने ये अजम्पशन लिया तो इस अजम्पशन से उन्होंने ये समझाया क्यों कोई इलेक्ट्रॉन स्पाइरल होके न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता। उनका दूसरा अजम्पशन था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना ऑर्बिट तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उसमें या तो एनर्जी हम ऐड नहीं करते या एनर्जी हम रिमूव नहीं करते। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाना है उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। उसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है तो उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। उनका तीसरा अजम्पशन था कि ये जो एनर्जी गेन या लूज हो रही है, कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है तो वो तब तक ये ट्रांजिशन नहीं करेगा जब तक उसके पास मिनिमम उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं हो। तो ये जो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है ये आपका रेडिएशन के फॉर्म में हो रही है और इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को हम दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस डिवाइड बाय प्लैंक्स कॉन्स्टेंट से निकाल सकते हैं। उनका चौथा अजम्पशन ये था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन से उनका मतलब है कि एक ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। एंगुलर मोमेंटम का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। एंगुलर मोमेंटम का जो उनका फॉर्मूला था वो था एन इंटू एच बाय टू पाई के बराबर। यहां पे एन एक इंटीजर है। तो ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h बाय टू पाई के।